यद्यपि बाइबल स्पष्ट रूप से हमारे अलग अलग त्वचा के रंग के बारे में नहीं बताता है, लेकिन यह सशक्त रूप से दिखता है कि केवल एक ही जाति है, मानव जाति। यह संभव है कि जब परमेश्वर ने बाबेल की मीनार में भाषाओं को भ्रमित करा था, तब उसने अलग अलग कुलों और जातियों को भी बनाया। यह भी संभव है कि परमेश्वर ने अलग अलग परिस्थितियों के अनुकूल उनकी सहायता के लिए मानवता में वंशाणु परिवर्तन किए। उदाहरण के लिए, जो लोग तीव्र सूर्य प्रकाश वाले क्षेत्र में रहते हैं, उनकी त्वचा में स्वाभाविक रूप से मेलानिन अधिक पाया जाता है, क्योंकि वे पराबैंगनी किरणों से बेहतर ढंग से संरक्षित रहे। यह भी सिद्धांत आया कि आदम और हवा के वंशाणु काले, सांवले और सफेद रंग के संतान पैदा करने में निपुण थे। इसी तरह मिश्रित जातियों और कुलों के जोड़ों ने अलग अलग रंग की संतान पैदा की। बाबेल की मीनार पर अलग अलग भाषाएं पैदा हुई। जिन समूह ने एक भाषा बोली, वे उसी भाषा में बात करने वाले अन्य लोगों के साथ चले गए। जब ऐसा हुआ तो एक विशेष समूह के वंशाणु तेजी से कम हुए, क्योंकि समूह अब पूरी मानव जातियों और कुलों के साथ मिश्रण नहीं कर सकता था। जैसे जैसे समय बीता और लोगों में घनिष्ठ संबंध हुआ, अलग अलग समूह ने कुछ विशेषताओं पर जोर दिया। क्योंकि ये सब पीढ़ियों में हुआ, वंशाणु का दायरा और भी छोटा होता गया। इसके परिणाम स्वरूप एक भाषा परिवार के लोगों ने समान सुविधाओं को साझा करना शुरू कर दिया। क्योंकि परमेश्वर स्पष्ट रूप से मानव जाति को विविधता के रूप में चाहता होगा, इसलिए परमेश्वर ने आदम और हवा और उनके वंश को विभिन्न त्वचा रंग के बच्चों को पैदा करने की क्षमता दी होगी। सबसे पहले बनाए गए जोड़े में हर रंग के बच्चा पैदा करने वाले वंशाणु होने की संभावना थी। सालों बाद बाढ़ से बचे हुए जीवित लोग में नूह, उसकी पत्नी, उसके तीन बेटे और उनकी पत्नियां कुल 8 लोग थे। शायद नूह की तीनों बहू अलग अलग जाति और कुल की थी। यह भी संभव है कि नूह की पत्नी नूह से अलग कुल की थी। हो सकता है कि वे सभी मिश्रित कुलों के थे। इसका अर्थ यह है कि उनके वंशाणु विभिन्न कुलों के बच्चों को पैदा करने में सक्षम थे। परमेश्वर ने सभी लोगों से उनकी त्वचा के रंग के बावजूद प्रेम और उनकी देखरेख करता है, और वह आशा करता है कि उसके अनुयायी भी ऐसा ही करें। यद्यपि हम बाइबल की निश्चितता के साथ तो नहीं कह सकते कि विभिन्न जातियों और कुलों को किस प्रक्रिया से बनाया गया था, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि सभी को एक ही उद्देश्य के लिए बनाया गया था, परमेश्वर को महिमा देने के लिए।